चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से किसी के चेहरे पर खुशी आई तो कई लोगों को उदास होना पड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर बड़े नाम के तौर पर देखे जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मोदी मंत्रिमंडल में 43 चेहरों ने कैबिनेट और राज्य मंत्री की शपथ ली है। कई मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जिस तरह मोदी सरकार सवालों के घेरे में आई, बताया जा रहा है कि उसका खामियाजा डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा है। रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में कानून और न्याय मंत्री, संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे, तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा है। जावड़ेकर मोदी मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, तो उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है। वह पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा महाराष्ट्र की जलना लोकसभा सीट से सांसद राव साहेब दानवे पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। साथ ही पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवोश्री चौधरी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, तो कर्नाटका के बेंगलुरु नॉर्थ से बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। वो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे। बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया। वो श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो शिक्षा के साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। हरियाणा के अम्बाला से सांसद रतन लाल कटारिया ने भी इस्तीफा दे दिया। वो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। कैबिनेट विस्तार से सबसे पहले थावर चंद्र गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाया गया। वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। ऐसे में तस्वीर साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में नए चेहरों को भरपूर मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।